Hello dear students, welcome once again to my channel Maths on Tips. I am A. Verma, your maths mentor. Start karte hain composition of two functions. सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्ट कीजिए अपनी एक्सरसाइज. चलिए, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रियल फंक्शन एंड जी फ्रॉम बी टू सी, देर आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी एंड सी. ए के एलिमेंट्स को बी से रिलेट करता है फंक्शन एफ, बी के एलिमेंट को सी से रिलेट करता है फंक्शन जी. अगर मुझे फर्स्ट सेट के एलिमेंट को डायरेक्ट लास्ट सेट से रिलेट करना है या लास्ट सेट के एलिमेंट को फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेट करना है तो हम अप्लाई करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. अब इसका मतलब क्या है? एफ ये नोटेशन है कंपोजिशन का, एफ कंपोजिशन जी फ्रॉम सी टू ए एंड जी कंपोजिशन एफ फ्रॉम ए टू सी. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एफ कंपोजिट जी. जी जी में कौन से एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा है? वाई. तो यहां पे आप लेंगे वाई. ठीक है, और इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ जी वाई. दैट मीन्स पहले हमें जी वाई की वैल्यू पुट करनी है और तब एफ अप्लाई करना है. अगर मुझे फाइंड करना है जी कंपोजिशन एफ, लेकिन एफ किस से रिलेट होता है? एक्स को वाई से रिलेट करता है. ठीक है, तो यहां पर हम एक्स के लिए लेंगे g of fx. बस ये आपने दो टर्म याद रखनी है एंड दैट्स इट. ठीक है, अब इसमें डिफाइन का क्या मतलब है? यहां तो हमने ये सेम सेट लिया है b, लेकिन अगर ये सेट अलग अलग हैं, सपोज कोई और अलग सेट है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि फॉग यानी f कंपोजिशन g इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ g जो सेकेंड है यहां पर फंक्शन, उसकी जो रेंज है वो सबसेट या इक्वल होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन के डोमेन के. ठीक है, दूसरा क्या है? गॉफ कब होगा डिफाइन? जब रेंज ऑफ एफ सबसेट और इक्वल होगा डोमेन ऑफ जी के. ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी कंपोजिशन अप्लाई हो सकता है. ठीक है, अब इसको हमने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, पहले एक डेफिनेशन देखिएगा इन्वर्टेबल फंक्शन की. अब इन्वर्टेबल फंक्शन क्या है? जैसे हमने यहाँ पे फंक्शंस को सेपरेट सेट में लिया है, एफ को हमने लिया है ए टू बी और जी को लिया है फ्रॉम बी टू सी, तो जब हम इन्वर्टेबल की बात करेंगे, इन्वर्टेबल फंक्शंस, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, सच दैट, क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? एफ कंपोजिशन जी इज आइडेंटिटी फंक्शन इन बी एंड जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल्स टू आई ए. इसका मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट बी और इसका मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट ए, और हम सीधे से कह सकते हैं कि f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f दोनों किसके इक्वल है? आइडेंटिटी फंक्शन के. तो ये इंप्लाई करेगा कि g क्या है? f का इनवर्स. तो जब भी हमें इनवर्स फाइंड करना होता है तो हम ये कंपोजिशन की हेल्प से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं. इसमें हमें ना तो वन वन कैलकुलेट करना है ना ऑन टू फाइंड करना है. ठीक है, कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस एक जी फंक्शन हमने फाइंड करना है और दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी दिखा देना है. अब ये आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है जिस पॉइंट पर आप ऑपरेट करें उसके इक्वल आपको फंक्शन मिल जाए, इस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. तो यानी एफ कंपोजिट जी वाई पे हम ऑपरेट करते हैं तो वो वाई के इक्वल मिल जाना चाहिए, और ये एक्स पे ऑपरेट होगा तो ये एक्स के इक्वल आपको मिल जाना चाहिए. ये कहेगा कि g क्या है? f का इनवर्स. चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन है. इफ f फ्रॉम 1 3 4 टू 1 2 5, एक सेट ये है एक सेट ये है, g फ्रॉम 1 2 5 टू 1 3. ठीक है, अब हमें f भी गिवन है और g भी गिवन है, हमें फाइंड करना है g कंपोजिट f. सबसे पहले आप लिखेंगे g कंपोजिट f डिफाइंड इज डिफाइंड. कब डिफाइन होगा ये? अभी आपको बताया था इफ रेंज ऑफ एफ, क्या है रेंज ऑफ एफ? दिस वन 1 2 5 इज इक्वल्स टू
domain of G. और domain of G क्या है? ये भी same set है. तो दोनों equal हैं. तो इसलिए ये क्या है? Define है. अब आपने find करना है G composite F. किसको किससे relate करेगा G composite F? From 1, 3, 4 to last set 1, 3. कैसे find करना है? एक तो हमें find करनी है G composite F 1 की value, फिर G composite F 3 की value, और फिर G composite F 4 की value. अब इन values को हम कैसे find कर सकते हैं? इसको हमने लिखना है G of F 1. What is F 1? इसका जो ordered pair है, वो किसके साथ है? 2 के साथ. तो ये value क्या मिल गई आपको? 2. अब G 2, 2 का pair किसके साथ है? 3 के साथ. तो ये value आ गई आपकी 3. ठीक है? इसी type से 3 के लिए क्या लिखेंगे आप? G of F 3. क्या है F 3? Yes, right, 5. और G 5 क्या है? Again, 1. क्लियर? अब हमने G composite F find करना है. G composite F को हम लिख सकते हैं G of F 4. अब F 4 की value कितनी आ गई? F 4 है हमारा 1. और G 1 कितना है? Obviously 3. तो यहां से हम G composite F का जो set form करेंगे, 1 के corresponding 3, 3 के corresponding 1, और third pair है 4 के corresponding 3. This is our answer. ठीक है? चलिए. Second question में हमें given है, find G composite F and F composite G if Fx equals to mod X and Gx equals to 5x minus 2. Modulus function में जो domain होता है, वो complete set of real number होता है, और जो range होता है, वो positive numbers के लिए होता है. ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है? Range of F and G. किसके equal है? R plus K. और domain दोनों का क्या है? F का भी और G का भी. Domain क्या होगा? Complete set of real number. ठीक? तो अगर मैं कहूँ कि GOF define है, तो क्या लिखना है हमें यहाँ पर? Range of F. Since range of F. Subset है किसके? Domain of G के. Obviously. Domain of G. क्योंकि G का जो domain है, वो complete set of real number है. और R positive real numbers क्या है? एक subset है complete set का. इसी type से same of F composite G भी define कर सकते हैं. Same यही condition आ जाएगी. अब find कैसे करनी है value? Find करने के लिए हमने क्या करना है इसमें? F composite G की simple value आपने find करनी है. कैसे? Now F composite G. सबसे पहले आप लिखेंगे gx की वैल्यू. क्या है gx? वो पुट कर दीजिए. mod 5x minus 2. अब f क्या करता है? f की जो कंडीशन है, इस एलिमेंट पर mod अप्लाई करता है. जो हमारा एलिमेंट है, उसमें एक mod तो पहले से है, एक mod और आ गया. लेकिन अगर डबल mod आप लगाते हैं, that is meaningless. एक मॉड का मतलब भी वही है डबल मॉड का. तो इसको हम सिंगल मॉड में चेंज कर देंगे. क्लियर है ये चीज? अब हमें फाइंड करना है जी कंपोजिट एफ. जी कंपोजिट एफ के लिए हम क्या करेंगे? जी ऑफ एफएक्स. नाउ जी ऑफ, अब पहले क्या पुट करना है आपने? एफएक्स. क्या है एफएक्स? मॉड एक्स. जी क्या करता है? 5 टाइम्स ऑफ दैट एलिमेंट माइनस 2 एंड देन मॉड. दैट मींस 5 टाइम्स मॉड 2 and complete mod. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है? चलिए, बाकी क्वेश्चंस इसके हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे 7, 8, 9 जो टाइप है, वो है आपका 6 मार्कर क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. आज के लिए इतना ही, लेकिन प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक.